एलएलसी किरणपाल कश्यप जी, शेर सिंह राणा जी ब्लॉक प्रमुख, तीनों बाबरी जी, वतन सिंह सैनी जी, अभी अभी दूसरी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के परिवार को मजबूत करने का काम करने वाले जलालाबाद के चेयरमैन जहीर चेयरमैन साहब और इमरान चेयरमैन, यहाँ पर मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संगठन के लोग और मेरी माताएं बहने, आप सभी को सबसे पहले मैं दिल की धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम करने में आपने हमारी सहायता करी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत देर से यहाँ पर सभी के भाषण सुने और सभी लोग यहाँ जिम्मेदार हैं, आप सबको बहुत सारी बातें बताई समझाई। यहाँ पर हमारे थाना भवन क्षेत्र के बहुत से जिम्मेदार लोग मौजूद भी हैं, शानू प्रधान जी बैठे हुए हैं और मुन्ना चाचा जी और निसार चाचा पीछे खड़े हैं, डॉक्टर आसिफ हैं, आरिफ भाई हैं, तनवीर भाई हैं, सभी लोग आप लोग हमारे पार्टी के स्तंभ हो, हमारे नींव अगर मजबूत है तो आपकी वजह से है और आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप रमजान के वक्त में टाइम निकालकर यहाँ पर आए। ये चुनाव किसी एक का चुनाव नहीं है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है और ये इतना बड़ा चुनाव है कि इसमें हमें जो भी हमारे आपसी मनमुटाव है उन्हें भूल कर ही हम इस चुनाव में कामयाबी पा सकते हैं। तो ये जो चुनाव आपका है, आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का हमारा सिंबल है और आप लोगों को इस चुनाव में जिस मजबूती के साथ आगे रहना है, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, वो सारे हथकंडे आजमाएंगे, बहुत मजबूत करेंगे, तरह तरह के दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि ये जो हमारा वोट का अधिकार है, यही एक ऐसा अधिकार है जो हमें अपने देश में अपने मुल्क में निडर होने के काबिल बनाता है। तो इस अधिकार को आप समझें, ये संविधान का ऐसा तोहफा है हमारे लिए कि अगर ये कल को हमसे छिन गया फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसकी ताकत को समझिए, इसका सदुपयोग करिए और आने वाली है 19 तारीख, चुनाव आपका भाजपा से है लेकिन आप लोग थाना भवन के जो लोग हैं आप लोगों ने पहले भी क्रांति करके दिखाई है, 22 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, हमारा पूरा जिला भाजपा मुक्त हो गया था, वो तो अब हालात बदल गए लेकिन जिला आप लोगों ने भाजपा मुक्त किया था। और इसी तरीके से आपको अगर कैराना सीट पर सबकी नजर थी तो हम सबकी नजर थाना भवन सीट पर भी थी और आप लोगों ने वो कर दिखाया था जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आपने 22 में वोट किया था वही बात है, वही पार्टी है और वही विचारधाराओं की लड़ाई है, उसी तरीके से आपको और हमें इस 24 के चुनाव में चुनाव लड़ने की जरूरत है। कोई भी पार्टी एक किसी जाति से एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकती, हमें जरूरत है सभी की और आज ये ऊपर वाले का करना है कि 36 बिरादरी यहाँ पर जो खूबसूरत एक गुलदस्ता बना हुआ है मंच पर ही, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी बिरादरियों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है और सारी बिरादरियां हमें वोट देने का काम करेंगी। हमें बस अगर जरूरत है तो अपने वोटों को समेटने की है और उसमें आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार को आपने कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई में
कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई में बैठ जाओ।